अगर किसी ने बाबा को यथार्थ रीति से पहचाना है तो उस पहचान की एक बहुत सुंदर निशानी हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। किसी भी प्रकार की चिंता और भ्रम बहुत हल्का। जब बाबा ही करम करावनहार है और जब संगम युग पर प्रभु लीला चल रही है, जानकी दादी को देखो, कितनी भी बातें आ जाए वो कहती है क्या प्रभु लीला चल रही है, आने वाला बाबा कर रहा है, इतना वंडरफुल कार्य चल रहा है, बहुत हल्की है, बहुत डबल लाइट है। तो कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्तापन का भान और बोझ नहीं है, वो स्टेज फरिश्ता स्टेज कहलाती है। फरिश्ता शरीर छोड़ के बन जाएंगे वो तो अलग स्टेज है, लेकिन हम इस शरीर में रहते, कर्म करते, कर्मियों के जीवन में रहते, किसी भी प्रकार का टेंशन ना हो, किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, बहुत हल्के रूप में कर्म किए जाए, कराने वाला बाबा है वो करा रहा है, उसमें मैं पंजरा भी लू, मैंने किया, मैं करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो ये काम कैसे होगा। ये जो मैंपन है उस मैंपन से अगर हम हल्के हो जाए तो सहज फरिश्ता स्थिति बन जाती है। तो योग की तीसरी स्टेज फरिश्ता स्टेज कहलाती है।